कुछ दिन पहला मैं पहला भी थोड़े अगे गल रखी सी कि जो सुल्तानपुर लोधी गुरद्वारा साहब बेर साहब अगे अकाल बूंगा गुरद्वारा साहब च जो उथे भगवंत मान के इशारे ते और जिस स्कूल च उन्होंने भैन जी मनप्रीत कौर ते उन्होंने धर्मपत्नी जी डॉक्टर गुरप्रीत कौर जी का आना जाना भी बड़ा है और मनप्रीत कौर जी उथे सर्विस भी निभाते रहे हैं। मैं लगता है हुण जो उन्होंने कब्जा बाबा बलबीर सिंह होरां नूं दवाउण दा जिहड़ा काम कीता जो पुलिस की कार्रवाई रही है उथे उहदे नाल उन्हां नूं प्रमोशन भी मिली होनी और सरकार की ते प्रशासन की किस तरीके की मिली भुगतां मैं उस दिन भी जिक्र किया सी कि कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं सी उथे। अमृत वेला गुरसिखा वास्ते उहदी बड़ी अहमियत हुंदी है। जदों नितनेम चलदा होवे अखंड पाठ साहब दे जाप चलदे होण किस तरीके नाल उत्थे फायरिंग होई किवें बूट पा के पुलिस दाखल होई एक पत्रकार वीर चरणजीत सिंह ढिल्लों जी दियां सट्टा भी लगियां उहदा फोन भी तोड़ता कैमरा भी तोड़ता सिर्फ इस लई कि असलीयत सामने ना आ सके और जदों फायरिंग होंदी सी जदों एक बंदा रिकॉर्ड करता सी पुलिस किवें उहदे सामने आके खलोंदी सी शील्ड करती सी इह सारियां गल्लां मैं लास्ट टाइम तुहानूं विखाईआं। मगर सरकार दी मिली भुगत किस तरीके दी अज मैं एक होर इंसीडेंट तुहाडे सामने लिया रहा है। इह सरदार बलविंदर सिंह जी ने ते इह उहनां दे धर्मपत्नी माता हरजीत कौर जी ने इन्हां दे घर च इन्हां दी बेटी दा विआह समागम रख्या कल शगन है ते एक तरीक नूं विआह आउदा कार्ड है और मैं इह तां तुहानूं इक होर भी इन्हां दा पछोकड़ दसदा किले दी वाही करदे आ जी मेहनत कश लोक ने एक आपदी निक्की जी दुकान करदे आ मगर सरकार का रवैया वेख लो आम लोगों प्रति आम आदमी कहती है ना आम आदमी पार्टी आपदे आपदे खास आदमी की मदद करती है कि यह तो आम आदमी बैठे इतने इन्हों के मुंडे आदि फोटो है गुरसिख अमृतधारी यदि गलती की यदि उम्र होनी जी 22-23 साल यदि उम्र है क्योंकि यह गुरु का बाणा पाँगा एक गुरु के बाड़े च रहिंदा है गुरु साहब का सत्कार करन वाला अमृतधारी सिंह है। मगर सरकार की गुरु घर प्रति की सोच है वह तो उस दिन ही जग जाहर हो गई सी जदों पुलिस नूं उत्थे जा के कब्जा लैण की लोड़ पै गई। मैं भैन जी मनप्रीत कौर जी नूं पुछना चाहुंदा हां कि तुहाडे कलेजे ठंड पै गई होनी हुण कब्जा लै लिया कब्जा वेखो ऐतकी मुख्यमंत्री आप करा रहा है और गुरसिखां नूं जिहड़े उत्थे मौके ते मौजूद भी नहीं जिन्हां दे घरां च विआह दे प्रोग्राम चलदे होण मेहनत वाले होण दिहाड़ी करन वाले होण मेहनत करन वाले होण आए अखंड पाठी सिंह आ जिहनूं झूठे परचे च उत्थे फसा दित्ता गया। हुण मैं वीडियो तुहाडे नाल सांझी कर रहा कि यह FIR च यह FIR ही तुसीं वेखो जिहड़ी पहली दर्ज होई है पहली FIR दा 307 दा परचा देता इस नौजवान ते यह नौजवान की गलती की इहनूं तां पता ही नहीं कि अकाल बूंगा की हो रहा की नहीं हो रहा। यह बाबा बाण सिंह जी दे सत्कार वजो क्योंकि गुरु घर च रौला लाउंदे ने अखंड पाठी ने उन्हां दे सत्कार वजो किते 22 तरीक नूं कार्ड देण चले गए कार्ड देण दे चक्कर च 307 दा परचा करा लिया। हालात यह है कि इन्हां दे माता जी रो रो के
बुरा हाल होया पिया कि साडे घर दा विआह समागम सी ना साडे च इन्नी समर्था सी मसा आपदी बेटी दा विआह कर रहे साडे च तां इन्नी समर्था भी नहीं कि असी कोई वकील कर लिए या कोई जाके किसे अगे फरियाद ला सकीए। इन्हां ते झूठा परचा सिर्फ ते सिर्फ भगवंत मान जी थोड़ियां सांझा थोड़ी भैन जी दी सांझ निभाउण लई थोड़े धर्म पत्नी दो चीफ गेस्ट बनाउण दे चक्कर जी तुसी अज गुरसिखां दे परचे करी आउंदे। हुण मैं आ 21/11/2023 7:34 ते परचा हो रहा ते इत्थे वाकया की लिख रहा है कि गुरु घर कब्जा होने लग्या और वाके का समा की लिख रहे हैं कहिंदे जी सवेरे 8:30 to 9 o'clock। मैं पूछना चाहुंदा भगवंत मान जी 8:30 to 9 o'clock जे अकाल बूंगा साहब कोई कब्जा हो रहा सी पुलिस इन्नी निकम्मी कि नाल ही थाना मगर 11 घंटे लग गए उत्थे FIR दर्ज कराने नूं। क्यों? क्योंकि CM हाउस ने FIR आप लिखाउणी सी कि केड़ी केड़ी धारा किवें किवें लिखाई जावे कि कोई बच ना सके। बाबा मान सो बच ना जाण।